पतंग काटे मगर पंछी ना कटे। अभी उत्तरायण काफी ज्यादा नजदीक आ रही है एंड आप देख सकते हो मेरे पीछे कि सब डोरी रंगने का काम चल रहा है। सो अभी मैं फिलहाल हूँ कालूपुर में। कालूपुर के जो एक स्वामीनारायण टेम्पल है उसके एग्जैक्ट पीछे की साइड में हूँ। जो भैया है कालू भाई, और ये कालू भाई अराउंड 50 ईयर्स से डोरी ये जो रंगने का काम है वो कर रहे हैं। सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, और क्या ये कैसे बनाते हैं क्या है पूरी प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए ये है कालू भाई। कितने साल से कर रहे हो ये सब आप? 50 बरस से। तो अभी पूरी प्रोसेस बताएंगे। पांच है और वो भाग है, दोनों को मिक्स किया है ना? अब ये दोनों को मिक्स करके ये इसमें थोड़ा रंग डाल लें, थोड़ा रंग डाल लें, लाल हो जाता है। इसको थोड़ा साबुन डाल लें, ये इससे लीसी हो जाती है ग्रीस, जैसे मोटर में ग्रीस पड़ती है ऐसा ये दौड़ता है। और इससे पंचिंग नहीं करता है क्या? इससे कभी पंचिंग नहीं करता है। ये डोरा बहुत पौधा होगा इसलिए हल्का काट डाला जाता है, पतंग काटे मगर पंछी ना कटे। मजबूत होता है, मजबूत डोरा होता है क्या? अब ये जो है तैयार हो रहा है, ये जो तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। ये हफ्ता बनाने का, ये डबल वाले का हफ्ता बनता है। ये क्या है? ये काट फिर से डाला इसको टाइट करने के लिए। कांच का पाउडर है ना? हाँ, दाल बना के रख दी है मतलब नरम थोड़ा। अब उसी में इसको मिलाया जाएगा, फिर उसके बाद में चला जाएगा। अब ये जो है बना लिया है, और बना के ये इसको पोछा जाएगा, सफाई की जाएगी इसकी। इसके अंदर सोने का सुहागा डाला जाएगा। क्या डालेंगे? सोने का सुहागा। क्या? फिटकरी। हाँ, सोने का सुहागा होता है, सोने को गलाया जाता है, वो डाला जाता है क्या? अब ये पक्का बनाया जा रहा है। ये देखो पक्का बन गया, ये हो गया पक्का, एकदम पक्का। हाँ, अब ये पक्का जब हो गया, इसको जितना डाला जाता है सोने का सवाल, ये लो जो अब ये तैयार हो गया, फिर मिला के थोड़ा काट में डाला जाएगा। ये सब एक ही मसाला है ना? सब? हाँ, सब एक ही है, अलग अलग नहीं आता है, अलग अलग में खराब हो जाता है। तो तीन मेल का वस्तु पड़ती है। अब ये उठाया हाथ में, नौ बार गुलाबी कलर की डोरी है, क्या बढ़िया डोरी। उठा के लेके चलने का, फिर यहाँ आने का, फिर उसको उठाने का, फिर चलने का, अलग अलग। अभी क्या कर रहे हो कालू भाई? इसको घिसने जा रहे हैं, डोरा बनाने जा रहे हैं। इससे पंची नहीं कटता है, पंची नहीं करता है कभी, पोचा डोरा होगा। ये दोरा सादा है ना भाई? ये सादा है, इससे पंचिंग नहीं करता है। ये भाई कौन है? ये लगाया। हाँ, और ये लगा दिया, और ये किचन में घिसा घिसाई हो रही है ये। क्या? ये कितनी देर तक घिसना पड़ता है? बस तीन दफा घिसना पड़ता है। ये देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तीन बार ऐसे करते करते लास्ट तक जाओगे? हाँ, लास्ट तक ऐसे जाने।
अब वो लपेटा है, वो घाटी खुल गया, तैयार हो गया माजा। सो अभी जो कालू भाई ने बताया कि कैसे इन्होंने घिसाई की, अभी घिसाई के बाद क्या प्रोसेस होती है वो ये भैया बताएंगे। तो अभी घिसाई के बाद क्या कर रहे हो आप? घिसाई के बाद इसमें आटी मार के लपेटने का। हाँ, जैसे हम कर रहे हैं वैसे छोकरा भी सामने वाला कर रहा है। हाँ, वैसे फिर उसके बाद वो लपेट रहा है सामने छोकरा। और यहाँ पे तो अभी ये जितना भी दूर है इन्होंने काफी लंबे तक इन्होंने बिछाया हुआ है, वो पूरा भी फिरकी में भरने वाले। तो दोरी अभी ये बीट रहे हैं यहाँ से, तो ये रहे कालू भाई। अरे बस खर्चा नहीं मिलेगा। हाँ, खर्चा नहीं मिलेगा, किराया विराया सब कुछ मिल के तैयार हो जाएगी। हर साल कमाते हैं, फिर नहीं कमाएंगे। इस बार बहुत कम होगा। हाँ, आधे का आधा हो रहा है। पहले तो क्या घूमने आते हैं इधर, घूमने आते थे तो माल ज्यादा बिकता था, लोग आगे ले जाते थे दूर दूर का माल, अब आता नहीं है। अब आता नहीं है और डरते हैं अभी कोरोना से, तो ज्यादा बाहर भी नहीं आते। कोरोना की वजह से दूर आते नहीं है, और 9 बजे से कर्फ्यू लग गया था, कर्फ्यू की वजह से नहीं आते। और ये अभी बच्चा दिखा रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हो सब पिरकिया इन्होंने पहले से बनाकर तैयार भी रखी है, जिसको अगर टाइम वेस्ट नहीं करना तो डायरेक्ट यहाँ से ले सकता है। फिर क्या फुल स्टॉक भर के रखा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर मांझा है, और जो कलर की चाहिए वो बनाकर दे सकते हैं। ये कब से चालू किया है? एक दो महीने से चालू हो गया। वो ये रही भैया, एक और भैया कैसा चल रहा है? ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उत्तराखंड के रिलेटेड काफी सारे वीडियोस में लाने वाला हूँ इसके बाद भी, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।